Hello everyone, welcome to GitHub. Today we will discuss about sediment transport mechanism. Okay, इस वीडियो में हम देखेंगे कि sediment transport mechanism क्या होता है और हमारा silt theory क्या बोलता है. Okay, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कैनाल में जो वाटर आता है वो रिवर के थ्रू से आता है. ठीक है, तो रिवर के थ्रू से जो वाटर आता है उसके साथ साथ हमारे कुछ हमारे सॉइल पार्टिकल्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट. ओके, तो वो जो सिल्ट पार्टिकल क्या करता है कि मेरा वाटर है उसमें सस्पेंडेड फॉर्म्स में होते हैं, है ना. तो उसमें कितने हमारे सीयर फोर्सेस वगैरह लगते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सिल्ट्स हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया. ठीक है, उनके थ्योरी के हिसाब से क्या बोलते हैं, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पार्टिकल्स ओनली फॉर सॉइल पार्टिकल्स साइज मोर देन 6 मिलीमीटर. ठीक है, कि जितने भी हमारे सॉइल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनका डायमीटर 6 मिलीमीटर से साइज ज़्यादा होगा तभी ये जो थ्योरी है सिल्ट थ्योरी वो एप्लीकेबल है. ओके, पहला चीज़. दूसरा चीज़ इसमें बोला है इन्होंने कि दिस एनालिसिस इज परफॉर्म्ड फॉर अनलाइंड कैनाल. ठीक है, कि जितने भी हमारे अनलाइंड कैनाल है उन्हीं पे ये जो एनालिसिस किया गया. नेक्स्ट है कि इसमें कुछ हमारे एजम्पशंस हैं. ओके, तो उस एजम्पशंस को देख लेते हैं. इनमें से पहला जो एजम्पशंस है, सॉइल इज इनकोहेरेंट दैट इज कोहेसिव फोर्सेस आर जीरो. यानी हमारा जो सॉइल पार्टिकल्स है उस पर कोहेसिव फोर्स जीरो, यानी सी की वैल्यू जीरो. जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका कोहेसनलेस सॉइल का, सेंड एंड ग्रेवल. ओके, नेक्स्ट है सेडिमेंट लोड इज यूनिफॉर्म. इसमें जो क्या है सेडिमेंट लोड होगा वो यूनिफॉर्म होगा. एंड द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट इज द वेट ऑफ वाटर एग्जर्टिंग अ ड्रैग फोर्स और सीयर फोर्स और ट्रैक्टिव फोर्स ऑन सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, कि जब हमारा वाटर फ्लो करता है, ठीक है, तो उसमें हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या हमारा सीयर फोर्स एग्जर्ट करता है. ओके, आप इस चीज़ को यहाँ से समझो, है ना. अगर ये मेरा, मैंने क्या किया, एक मेरा बहुत लंबा कैनाल था. ओके, मैंने इस कैनाल में से एक छोटे से एलिमेंट को मैंने कट कर लिया जिसकी लेंथ एल है और जिसका एरिया क्या है, ए है, एरिया ए है. और यहाँ पे जो बेड स्लोप कितना है, यहाँ पे बीटा है ना. तो बेड स्लोप यहाँ पे बीटा है. तो आपको यहाँ से पता है कि ये जो मैं एलिमेंट कंसिडर किया हूँ, ठीक है, ये जो एलिमेंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, देखिए ब्लू कलर से, इस एलिमेंट ऑफ वाटर का कुछ वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, तो डब्लू डायरेक्शन डाउनवर्ड लग गया, तो देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन में. ठीक है, तो जब हम इस डब्लू को रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा मेरा डब्लू साइन बीटा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा डब्लू कॉस बीटा. ये मेरा क्या है, साइड व्यू है और ये मेरा क्या है, फ्रंट व्यू है. ओके, जहाँ पे P क्या है, मेरा वेटेड पेरीमीटर, यानी ये जो पेरीमीटर्स है ना यहाँ पे, मतलब वाटर टच कर रहा है कैनाल के सरफेस को, उसको उसके पेरीमीटर को बोलते हैं वेटेड पेरीमीटर. ओके, तो हमारा यहाँ पे देखिए ये जो लग रहा है W साइन बीटा, ठीक है, साइन, हाँ, W साइन बीटा. तो ये जो W साइन बीटा क्या करेगा, एक सीयर फोर्स जनरेट करेगा, क्योंकि देखिए अब हमारा जो पार्टिकल्स हैं उनका भी मूवमेंट ये डायरेक्शन में है और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डब्ल्यू साइन बीटा. हमारा यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उसके मोशन के लिए कोई हमारा डब्ल्यू कॉस बीटा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है. ठीक है, जो भी मेरा रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है डब्ल्यू साइन बीटा, क्योंकि इसी ना, यही ना इसको घसकाएगा तो यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में सीयर फोर्सेस लगेंगे. चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो मैंने एलिमेंट कंसिडर किया उसका वेट क्या है. ठीक है, एलिमेंट का अगर मेरा गामा डी, ये क्या है, गामा डब्लू यूनिट वेट ऑफ वाटर, अगर मैं इसको क्या करूँगा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा वेट दे देता है. ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे मेरा क्या है, एरिया इनटू लेंथ. तो यहाँ पे क्या है, डब्लू जो मेरा आ गया गामा डब्लू इंटू ए इंटू एल. ओके, ये मेरा क्या हो गया, वेट हो गया. तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे टेन बीटा जो स्लोप है, बेड स्लोप, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है. ओके, ये जो बीटा है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टेन बीटा इक्वल टू कैनाल बेड स्लोप इक्वल टू एस. ठीक है, कैनाल बेड जो स्लोप होता है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड सीयर फोर्स एक्टिंग ऑन सॉइल पार्टिकल्स, देखिए यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स है ना,
तो मेरा जो इस डायरेक्शन पे जो मूवमेंट लग रहा था इस डायरेक्शन पे, वेट में अच्छे से फिगर बना देता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एक इस डायरेक्शन में इधर लग गया, एक फोर्स इधर लग गया, इधर लग गया W साइन बीटा, यहाँ पे लग गया W साइन और ये कॉस बीटा। तो यहाँ पे जो मेरा पार्टिकल्स है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी जितने भी हमारे पार्टिकल्स होंगे तो इनमें एक क्या करेगा, शियर फोर्स लगेगा, और वो शियर फोर्स किसके कारण लगेगा, W साइन बीटा के कारण, है ना। इतना ही ना फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, जितने भी इसके नीचे पार्टिकल्स होंगे। तो हमारा जो शियर फोर्स यहाँ है वो है डब्लू साइन बीटा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो बीटा है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो क्या हम साइन बीटा बराबर टेन बीटा लिख सकते हैं, ओके। या फिर अगर हम क्या करते हैं कि बीटा ये टेन बीटा इक्वल टू हम बीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या था, डब्लू साइन बीटा, ठीक है। अब मेरा डब्लू का वैल्यू कितना हम निकाल चुके थे, गामा डब्लू ए इंटू एल इंटू साइन बीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा। तो इतना मेरा फोर्स लग गया, क्या लग गया, शियर फोर्स, ओके, जो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, इतना मेरा शियर फोर्स लग गया सोयल पार्टिकल्स पे, गामा डब्लू ए एल एस, ओके। ये तो मेरा शियर फोर्स लग गया। अब हमको पता है कि जो मेरा एरिया क्या लग रहा है, इसमें जो वेटेड पेरीमीटर है इनटू वेटेड पेरीमीटर पी है एंड टोटल कितना जो भी लेंथ होगा एल, तो ये मेरा एरिया लग गया और इतना लग गया मेरा शियर फोर्स। जब हम क्या करते हैं, शियर फोर्स बाय शियर एरिया यानी एरिया कर देंगे, तो वहाँ से हमको दे देगा शियर स्ट्रेस की वैल्यू, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, शियर फोर्स सॉइल पार्टिकल्स पे कितना शियर फोर्स लगा या फिर सरफेस एरिया कितना लग रहा है उसमें। तो शियर फोर्स मेरा यहाँ पे कितना था, गामा डब्ल्यू ए एल एस एंड यहाँ पे मेरा सरफेस एरिया कितना था, पी इन टू एल। तो एल एल यहाँ से कैंसिल हो गया और आपको पता है ए अपॉन पी इक्वल टू आर होता है हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, ओके। तो यहाँ पे ये मेरा हाइड्रोलिक रेडियस है, तो जब इसको फाइनल जब हमारा शियर स्ट्रेस होगा यहाँ पे, ओके, तो शियर स्ट्रेस क्या हमें लग जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस, है ना। ये लग गया मेरा शियर स्ट्रेस किसी भी कैनाल के सॉइल पार्टिकल्स पे, गामा डब्ल्यू आर इंटू एस अमाउंट का शियर स्ट्रेस लगता है। इस चीज़ को आप याद कर लो, ठीक है, अब अपने कॉपी में नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओके। अब चलिए हम देखते हैं कि शियर स्ट्रेस का जो मेरा जो वेरिएशन कैसे है, क्योंकि मेरा बेड पे जो शियर स्ट्रेस लगेंगे कुछ अलग लगेंगे एंड मेरा जो साइड स्लोप्स है उस पर भी कुछ हमारे शियर स्ट्रेसेस अलग लगेंगे, तो उनका वेरिएशन किस प्रकार का होता है। तो अगर ये जो मेरा क्या है, एक कैनाल है, ठीक है, तो ये एक कैनाल है, तो इसमें जो बेड स्लोप पे जो शियर का वेरिएशन होता है वो इस तरीके से होता है पैराबोलिकली, ओके, यहाँ पे मेरा पैराबोलिक टाइप से होता है, ओके। तो हमारा यहाँ पे जो पैराबोलिकली जो हो रहा है शियर स्ट्रेस का वेरिएशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गामा मेन जो यहाँ पे सेंटर पे यानी मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस जो लग रहा है, ठीक है, हमारा कैनाल का बेड स्लोप पे, ये साइड स्लोप पे, वो लगता है 0.75 टाइम्स ऑफ गामा डब्ल्यू आर इंटू एस, जिसको हम एवरेज शियर स्ट्रेस बोलते हैं सॉइल पार्टिकल्स पे लगने का। और जो मेरा बेड पे है वो लग जाता है गामा डब्ल्यू आर इंटू एस, यहाँ पे भी लगेगा 0.75 गामा डब्ल्यू आर इंटू एस, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट में इस चीज़ को करके लिख लो कि जो बेड स्लोप पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो 0.75 टाइम्स ऑफ जो भी मेरा यहाँ पे बेड स्लोप में होगा, ठीक है, उसका 0.75 टाइम्स ऑफ साइड स्लोप में लगता है मेरा शियर स्ट्रेस, ओके। ये तो था हमारा शियर स्ट्रेस का वेरिएशन, ओके। अब हम क्या करते हैं कि सिल्स थ्योरी में उन्होंने बोला था कि हमारा कोई भी जो चैनल है, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स है वो स्कोर करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, या फिर अगर उसमें स्कोर कर रहा है तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। आखिर अब यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस पड़ रहे हैं तो उसका तो हमारा कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स होना चाहिए ना। तो देखिए
इनका जो पहला एक टर्म था, ठीक है, टू प्रिवेंट स्कोरिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स लेइंग ऑन कैनाल बेड, यानी ये मेरा कैनाल बेड है तो इस कैनाल बेड में, ये कैनाल का फिगर है तो यहाँ पे जो क्या है कैनाल बेड है, तो इस कैनाल बेड में मेरा स्कोरिंग नहीं होना चाहिए, स्कोरिंग नहीं होना चाहिए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। जो शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन सॉइल पार्टिकल्स लेइंग अलोंग कैनाल बेड, ठीक है, कि मेरा कैनाल बेड पे कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है, और वो हमेशा छोटा होना चाहिए किसके, शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स लेइंग अलोंग बेड कैनाल, ठीक है, कि अगर ये मेरा कोई कैनाल है तो यहाँ से जो पार्टिकल्स को स्कोर करेगा, ठीक है, उस हमारा स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस पे यहाँ से पार्टिकल स्कोर करेंगे उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, टॉसी, यानी क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, यानी टॉसी जब वैल्यू का, जब मेरा स्ट्रेस अप्लाई होगा किसी भी कैनाल में तो वहाँ पे बेड से क्या करेंगे पार्टिकल्स स्कोर करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है, यानी यहाँ से हटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो मेन जो शियर स्ट्रेस है, ठीक है, शियर स्ट्रेस का जो मेरा वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा हम चाहेंगे कि टोसी से कम रखें हमेशा, ताकि मेरा स्कोरिंग नहीं हो, है ना, क्योंकि इतने पे क्या होता है ये स्कोरिंग करना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमको कम ही रखना पड़ेगा ना शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन, एक मैं रिलेशन यहाँ से मैं आपको मैं डेराइव कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो मेरा यहाँ पे पार्टिकल सॉइल्स पे कितना लग रहा है, गामा डब्ल्यू आर इन टू एस, मैंने आपको बताया, और मेरा क्रिटिकल इतना वैल्यू पे क्या करता है ये स्कोर करना स्टार्ट हो जाता है, यानी गामा डब्ल्यू डी इंटू 0.056 इंटू एस एस माइनस वन, जो यहाँ पे एस एस है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके। तो मेरा सॉइल पार्टिकल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू होती है 2.65, ओके। अब मेरा यहाँ से मैं इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को, तो मेरा यहाँ से आर एस का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन होगा डी इंटू 8, एंड जब मैं इसको फाइनली जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरा जो डी का वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए 11 टाइम्स ऑफ आर एस से, ठीक है। और जब मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस का, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए हमारा डी अपॉन 11 एस के बराबर। एस क्या है मेरा यहाँ पे बेड स्लोप, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि डायमीटर पार्टिकल का कितना होना चाहिए और हाइड्रोलिक रेडियस कितना होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू प्रिवेंट स्कोरिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स यूजिंग ऑन कैनाल साइड स्लोप, ठीक है, कि अब जब मेरा कैनाल इस तरीके से मेरा कैनाल है, हमने तो देख लिया कि यहाँ पे जो बेड में जो स्कोरिंग है उस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो साइड स्लोप्स है ना, जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पे साइड स्लोप्स हैं, ठीक है। अब इन साइड स्लोप्स पे भी हमारा स्कोरिंग नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ से पार्टिकल्स बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, हटना नहीं चाहिए। तो उस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, जो भी मेरा शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, जो भी मेरा शियर स्ट्रेस लग रहा है कैनाल में, वो हमेशा जो क्रिटिकल, जो मैक्सिमम वैल्यू है, कि जिस वैल्यू पे बेड से हमारे पार्टिकल्स हटने लगेंगे, ठीक है, उससे हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है इसमें पार्टिकल्स हमारा क्या होगा, स्कोरिंग होने लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि मेरा स्कोरिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो मेरा शियर स्ट्रेस की जो लिमिट है उसको कम करना पड़े, है ना। तो यहाँ से हम इसको एक हमारा एक यहाँ से डेरिवेशन है, ठीक है, इस डेरिवेशन को आप देख लीजिए, ओके, हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ से डेराइव कर लिए, ओके, ये जो फार्मूला है मेन फार्मूला उसको आपको याद रखना है, यानी 0.75 टाइम्स ऑफ आर एस इज ऑलवेज ऑलवेज लेस देन डी अपॉन 11 इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर फाई, है ना। फाई वहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, तो सॉइल पार्टिकल्स से उनके बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। इस वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बता दे रहा हूँ आपको, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एन अनलाइंड इरिगेशन कैनाल हैज इट्स बेड्स एंड साइड्स कंपोजिशन ऑफ कोहेशनलेस
ठीक है, नेचुरल हैविंग मीन डायमीटर, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मीन हमारा डाटा में डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को खुद देख लेना, हमारा यहाँ पे क्या है, डायमीटर कितना है पार्टिकल का 6 मिलीमीटर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है, इंटरनल फ्रिक्शन 40 डिग्री, विड्थ ऑफ द कैनाल कैन बी टेकन एज 5 मीटर, साइड स्लोप हमको लेना है 1.5 हॉरिजॉन्टल पर 1 वर्टिकल, ठीक है, फाइंड द डिस्चार्ज डेट कैन एडमिटेड इन टू द कैनाल विदाउट सेडिमेंट मूवमेंट, ठीक है, कि सेडिमेंट का मूवमेंट मेरा नहीं होगा, ठीक है, उस तरीके से मेरा कितना डिस्चार्ज होगा, हमारा यहाँ पे देखिए एज्यूम करने बोला है बॉटम स्लोप एज 1 in 5000 एंड मीनिंग्स कॉन्स्टेंट 0.025 लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए ये मेरा कैनाल है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, शियर फोर्स लगेगा, तो यहाँ से आप देखिए इस चीज़ को, सेडिमेंटेशन ये हमारा नहीं होना चाहिए इसमें, तो पहला इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, नो सेडिमेंट मूवमेंट हमारा अलाउ नहीं करेगा, तब हम क्या बोले थे, टू प्रिवेंट स्कोरिंग बेड्स पार्टिकल की, बेड पार्टिकल जब नहीं करेगा तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला थे आर इज ऑलवेज लेस देन डी अपॉन 11s, ठीक है, यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू 2.727 मीटर होना चाहिए, ठीक है, ये तो पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन देखिए, टू प्रिवेंट स्कोरिंग ऑफ कैनाल, ठीक है, जब मेरा बेड से मेरा किसी प्रकार का सेडिमेंट का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो उसके लिए जो मेरा क्या था डेरिवेशन फार्मूला वो ये था, ठीक है, इस फॉर्मूले में मैं सारे वैल्यूज़ को मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो मेरा जो आर के जो वैल्यू आएगी वो लेस देन आएगी 1.873। अब मैं इक्वेशन 1 and 2 से देख लेता हूँ कि जिसमें मेरा कम आएगा उस चीज़ को मैं यहाँ से ले लूँगा, ठीक है, जो मेरा यहाँ पर कम आ गया 1.837, तो यहाँ पर मेरा इतना हाइड्रोलिक रेडियस होना चाहिए, अब यहाँ से मेरा हाइड्रोलिक रेडियस निकल गया, अब हम चलिए देखते हैं R इक्वल टू ए अपॉन पी होता है, तो मैं यहाँ से सारे वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ, R का वैल्यू 1.8 लिया, A का वैल्यू 1.5 इंटू ये जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है उसका एरिया इंटू पेरीमीटर का जो एरिया है, तो यहाँ से मेरा Y का वैल्यू आ गया 3.05 मीटर। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ नॉन स्कोरिंग सेक्शन, नॉन स्कोरिंग सेक्शन का एरिया क्या होगा, 1.5 × 10 + 3y × y, तो यहाँ से एरिया का वैल्यू आ जाएगा 29.20 मीटर स्क्वायर, ओके, एंड क्यू इक्वल टू होता है ए भी, है ना, और मेरा वी इक्वल टू क्या होता है, मीनिंग्स इक्वेशन से 1/n × r^2/3 × s^1/2, तो यहाँ से मैं सारे वैल्यूज़ को पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे को क्या वी का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू इक्वल टू ए भी होता है, एरिया का वैल्यू मेरे पास है, क्यू की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं दोनों वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 24.77 m³/s, ओके, इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से देखना, कुछ नहीं है इस न्यूमेरिकल में, जो मैं प्रीवियस कुछ फॉर्मूलाज आपको लिखा है उसी के यूज से आपको पूरा ये बन जाएगा, ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैनाल, ये आपका ग्रेविटी डैम, ओके, सो वी कंटिन्यू विथ माई चैनल, आई विल कम्प्लीट ऑल द लेक्चर्स एंड ऑल द सिलेबस ऑफ इरीगेशन इंजीनियरिंग वेरी सून, सो डोंट वरी अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच।